बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी डिस्कस अबाउट द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग में दो बातें बच्चे ध्यान में रखनी है, ओनली टू पॉइंट्स आर देयर। तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग आराम से कर सकते हो। दैट इज फर्स्ट वन यू राइट स्टेम नेम एंड द सेकेंड वन यू राइट द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप और ऑल्सो कॉल्ड सफिक्स नेम। सफिक्स नेम और द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, आपको दो पॉइंट याद रखने हैं। द स्टेम नेम इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने कार्बन प्रेजेंट हैं। दैट शोन बाय स्टेम नेम आल्सो नेम्ड एज पेरेंट चेन एज वेल। तो जब कुछ पॉइंट याद करने पड़ेंगे इसमें, दे आर वेरी सिंपल एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सब के नाम आराम से असाइन कर लोगे। इफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वन कार्बन, दे आर नेम्ड एज मेथ। फॉर टू कार्बन्स वी राइट एथ। फॉर थ्री कार्बन वी राइट प्रॉप। फॉर फोर कार्बन वी राइट ब्यूट। दे आर द स्टेम नेम्स। फॉर फाइव कार्बन वी राइट पेंट। फॉर सिक्स कार्बन वी राइट हेग्स। फॉर सेवन कार्बन वी राइट हेप्ट। फॉर एट कार्बन वी राइट ऑक्ट। फॉर नाइन कार्बन वी राइट नॉन। एंड फॉर टेन कार्बन वी राइट डेक। तो ये बच्चे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टेम नेम के लिए। फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड दी स्टेम नेम्स आर यूज। एंड द लास्ट वन द सफिक्स नेम और द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इट रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बच्चे अगर आप दो रूल सीख लेते हो तो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग ईजिली कर सकते हो। फॉर एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर अल्केन्स वी राइट सफिक्स नेम ए एन ई। ये बच्चे आप प्लेस करते हो एट द एंड ऑफ स्टेम नेम। इफ वी राइट अल्कीन्स, बच्चे पहले मैं कुछ पॉइंट नोट कर लें, फिर इसकी हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। सफिक्स यूज ई एन ई फॉर अल्कोहल्स। द सफिक्स यूज ओ एल, बट शुड बी कैप्ट इन माइंड कि आप अल्केन्स का ई रिप्लेस करते हो फ्रॉम ओ एल, मतलब अल्केन्स का ई को हटा के आपने ओ एल लगाना है। फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड वी यूज सफिक्स दैट इज ओइक एसिड, ओ आई सी एसिड। अच्छा, अगेन आप अल्केन्स का ई रिप्लेस करते हो, ई रिप्लेस करके ओइक एसिड। एंड फॉर एस्टर्स वी यूज ओ ए टी ई इन प्लेस ऑफ ई ऑफ अल्केन। तो ये बच्चे आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप इन पॉइंट को सीख लोगे तो आप सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने आपके सिलेबस में ऐड हैं आप उसको आराम से उनकी नेमिंग कर सकते हो। वी टेक सम एग्जांपल्स टू क्लियर द कंसेप्ट्स। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू राइट द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू सी एच थ्री। टू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड वी शुड काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, नॉट द हाइड्रोजन्स। तो दिस कंपाउंड कॉन्टेन फोर कार्बन्स, वन टू थ्री फोर। तो अच्छा, आप फोर के लिए यूज़ करते हो ब्यूट, फोर के लिए आप यूज़ करते हैं ब्यूट। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट फॉर अल्केन्स ए एन ई, तो अच्छा आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे ए एन ई। जस्ट काउंट कार्बन एटम्स एंड जस्ट सी वट इज़ द फंक्शनल ग्रुप। तो दिस कंपाउंड कॉन्टेन सिंगल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड मीन्स अल्केन्स। नाउ इफ वी राइट द कंपाउंड लाइक सी एच 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 सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एंड एच। बच्चे मैंने हर कार्बन के चार बॉन्ड्स पूरे किए, एवरी कार्बन है फोर कोवलेंट बॉन्ड्स। इट इज़ बिकॉज कार्बन बच्चे ग्रुप फोर में आते हैं तो उसके चार बॉन्ड आपको पूरे करने हैं। वैन यू राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड फर्स्ट वन जस्ट काउंट द कार्बन एटम्स। तो वन टू थ्री, देर आर थ्री कार्बन्स। तो फॉर थ्री कार्बन वी शुड राइट द वर्ड प्रॉप एज अ स्टेम नेम, वी राइट प्रॉप। एंड फॉर डबल बॉन्ड द स्टेम नेम फॉर डबल बॉन्ड इज ई एन ई, वी राइट प्रोपीन ई एन ई फॉर डबल बॉन्ड।
प्रॉप फॉर थ्री कार्बन्स। तो ये बच्चे आपके कुछ एग्जांपल्स हैं फॉर नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी टेक सम अदर एग्जांपल एज वेल, लाइक आई टेक फोर कार्बन और थ्री कार्बन्स व्हाट्स एवर, आई राइट ओ एच हियर, देन वी हैव टू कंप्लीट फोर कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। इट कॉन्टेन्स टू बॉन्ड थ्री एंड फोर, इट कॉन्टेन्स टू कोवलेंट बॉन्ड, आपको बच्चे हर कार्बन के चार बॉन्ड पूरे करने। इट कॉन्टेन्स टू बॉन्ड थ्री एंड फोर, तो देर आर फोर कार्बन्स। बच्चा फोर के लिए यूज़ करते हो हमेशा ब्यूट, मतलब चार कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो वी राइट ब्यूटेन। बिकॉज रूल इज़ दैट कि आपने अल्कोहल में, क्योंकि ओ एच इज़ एब्रीवेशन ऑफ अल्कोहल, आपने अल्केन्स का नाम लिख के लास्ट में ई को रिप्लेस करना है बाय ओ एल। तो मैं ई रिप्लेस करूँगा बाय ओ एल, तो नेम्ड एज ब्यूटेनोल, नेम्ड एज ब्यूटेनोल। तो ये बच्चा आपके पास सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नाउ वी टेक सम अदर एग्जांपल्स। तो व्हेन वी राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, वी हैव ओनली इंपॉर्टेंट रूल, जस्ट काउंट कार्बन एटम्स। तो वन टू थ्री फोर, फोर कार्बन, वी राइट ब्यूटेन। और बच्चे क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, कार्बोलिक एसिड की पहचान बच्चे सी ओ ओ एच, डबल ओ एच, तो डबल ओ एच इट इज़ द कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। टोटल बच्चे वी हैव फोर कार्बन, तो रूल इज़ दैट कि आपने ब्यूट असाइन करना है फॉर फोर कार्बन्स। सिंगल बॉन्ड के लिए आप ए नहीं लिखते हो, बट फॉर कार्बोक्सिलिक ग्रुप वी रिप्लेस ई बाय ओइक एसिड, तो नेम्ड एज ब्यूटेनोइक एसिड। दैट इज़ द फाइनल नेम ऑफ दिस कंपाउंड। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई राइट द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जस्ट काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम फर्स्ट वन, तो देर आर थ्री कार्बन्स, शुड राइट प्रॉप फॉर थ्री एंड ए एन ई फॉर अल्केन्स, बट ई रिप्लेस बाय ओइक एसिड दैट कंटेन सी ओ ओ एच, क्योंकि दो ऑक्सीजन आ रहे हैं एच के साथ, तो वी राइट प्रोपानोइक एसिड। द नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज फॉर एस्टर्स। तो अच्छा आपका सबसे पहला काम, जस्ट सी व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ दिस कंपाउंड। तो अच्छे अगर आप इस पे फोकस करो ना, तो देर आर टू ऑक्सीजन्स, इट मींस आइदर इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर, बिकॉज एस्टर आल्सो कंटेन टू ऑक्सीजन, और बच्चे आपके ओ के साथ कार्बन होता है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन होता है, जबकि एस्टर्स में यहाँ पे आप एच को रिप्लेस करते हो विद कार्बन। नाउ वी सी दिस सी ओ ओ एंड सी अगेन, इट मीन इट इज योर एस्टर, इट मीन्स इट इज योर एस्टर। अब आप क्या करोगे वेन यू राइट द नेम, तो एस्टर्स की नेमिंग बच्चे थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से काम करना है। जस्ट आपको इन दोनों में से, मतलब दिस इज़ अ वन चेन ऑफ कार्बन, दिस इज़ वन चेन ऑफ कार्बन, तो आपको काउंट करना है कि हाउ मैनी कार्बन्स आर डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, दीज कार्बन कनेक्टेड विद कार्बन। तो अच्छे यहाँ पे वन कार्बन है, तो अच्छे वन कार्बन के अलावा वर्ड यूज़ करते हो मिथेन से मिथाइल, जो एज अ ब्रांच ट्रीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथाइल। एंड द टोटल कार्बन इन प्लेस ऑफ दिस आर वन टू थ्री, थ्री स्टैंड फॉर अ प्रोपेन, और बच्चे आपने प्रोपेन का ई रिप्लेस करना है बाय ओ ए टी ई, तो नेम डैज मिथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल, नाउ वी कंप्लीट हाइड्रोजन हेयर। टू राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड, जस्ट काउंट हाउ मैनी कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड विद ऑक्सीजन। लुक एट दैट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दीज कार्बन्स आर कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड दीज कार्बन कनेक्टेड विद द कार्बन ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चे मैंने आपसे कहा था ओ के साथ जितने कार्बन होंगे इसको आपने एज अ ब्रांच ट्रीट करना है, और बाकी कार्बन्स को आपने लॉन्ग चेन ट्रीट करना है। नाउ देयर आर टू कार्बन्स दैट कनेक्ट विद ऑक्सीजन, तो टू कार्बन्स नेम्ड एज इथाइल, एंड टोटल देयर आर वन टू थ्री फोर कार्बन इन प्लेस ऑफ दीज टू। तो फोर के लिए बच्चा वर्ड यूज़ करते हो फोर के लिए ब्यूट,
मतलब ब्यूटेन से आप लिखोगे ब्यूटेन और ई रिप्लेस करोगे फॉर एस्टर्स के लिए, ई रिप्लेस बाय ओ ए टी ई, तो नेम डैश इथाइल ब्यूटानोएट। तो ये बच्चे आपकी नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सम एग्जांपल्स।